अभी फिलहाल हम लोग ने जूता खोल के चप्पल लगाया सपने, भैया लोग ने भी चप्पल लगाया। तो हमारे ये बाइक इस तरह से रखा हुआ है यहाँ पे। ये यलबोंग का सबसे लास्ट घर है, एंड पॉइंट। यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे अच्छा खासा बाहर पे स्पेस है। तो यहाँ पे रात को हम लोग टेंट लगा के यहीं पे स्टे करेंगे। ये घर वालों को हम लोग ने रात का डिनर के लिए बोल चुका है। बस अब हम लोग चार भाई निकलने वाले हैं। हमारे साथ है रुपेश दा, तेंजिंग दा और एक भैया है वहाँ पे, अभिषेक भैया। तो हम चार अब निकलेंगे ट्रैकिंग की ओर। तो आप सभी से मिलते हैं अभी थोड़ी देर पे। तो अभी फ़िलहाल बज रहे 12:50, तो लगभग 1 बज गया है। आज है रविवार, संडे 7 तारीख है। तो आज हम लोग निकल रहे हैं ट्रैकिंग की ओर, हाइकिंग की ओर बोल सकते हैं। तो हमारे ट्रैकिंग भाई है नितेश, तो वो हम सबको गाइड करेंगे आज। अभी हम लोग फिलहाल कहाँ पे पहुँचे भाई, कितना मिनट लगा यहाँ आने में? तो देखता हूँ, अच्छा लगभग यहाँ पे 20 मिनट लगा हम लोग को यहाँ पे आने पे। नितेश भाई का गाइडेंस पे चल रहे हैं हम लोग। तो भाई थोड़ा कुछ केव के बारे में बताओ आप। तो बताओ थोड़ा सा, इधर आओ, शर्मा क्यों रहा है, बोलो केव के बारे में बोलो। यहाँ से कितना दूर लगेगा केव जाने में? 20 मिनट में केव पहुँच जाएगा आप लोग के लिए? पहुँच जाएगा आप तो। अच्छा चलता है ना, दूसरे आदमी तो 1 घंटा लग जाएगा। अच्छा, मतलब जो अच्छा से ढंग से चल जाएगा आराम से, तो उनको 20 मिनट में केव पहुंच जाएगा। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए चैनल पे। यो कौन से खोला? अरे भाई रमती। तो रमती खोला पे पानी क्यों नहीं है? थोड़ा उधर में ना सूख गया। अच्छा सूख गया, थोड़ा बहुत है पानी की, पानी एकदम ही दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो थोड़ा सा है। तो यहाँ से अब थोड़ा सा यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक बोल सकते हो, तो कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे एयरटेल का नेटवर्क आता है, तो मैंने फ़ोन पे बात किया अभी। और हमारे तेंजिंग भैया भी फ़ोन पे बात कर रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। थोड़ा सा अपडेट देना ज़रूरी है। तो आपको बता दूँ, आप जब यहाँ से आओगे तो ये एक तो रमती से आपको राइट लेना है, यहाँ से राइट लेके जाना है। अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 1:15, तो यहाँ से जाके फिर वहाँ से लेफ्ट लेना है। तो हमारे गाइड भाई हम लोग को गाइड करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से। नितेश भाई है वो यहाँ का गाइड भाई है, तो इन लोगों का एक क्या यूनियन टाइप का ही है। वो लोग चार्ज करते हैं टूरिस्ट लोग से, क्योंकि वो लोग जब जाते हैं अकेले नहीं जा सकते, क्योंकि रास्ता पे बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो कि अकेले नहीं जा सकते। तो भाई कितना करके चार्ज लेते हो टूरिस्ट से, बता दो थोड़ा। एक आदमी का 400। तो 1 पर्सन का भाई 400 रुपये करके लेते हैं गाइड करने का। तो गाइड करके आपको सही सलामत अपने होम स्टे तक पहुंचा देंगे, या फिर कैंपिंग एरिया तक। चुकुल डुक। तो इसको चुकुल डुक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं चुकुल डुक? अच्छा, ये इसका शेप ऐसा, इसीलिए इसको चुकुल डुक बोलते हैं। अच्छा ओके, तो हम लोग को यहाँ से लेफ्ट जाना है ना? अच्छा, हम लोग को यहाँ से लेफ्ट जाना है। लेफ्ट जाने के बाद में क्या केव स्टार्ट होगा? अब थोड़ा ऊपर से केव स्टार्ट होने वाला है। 10 मिनट लगेगा। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो गाइस, क्योंकि हमारे चैनल पे लेटेस्ट ब्लॉग आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ से केव अब स्टार्ट होने वाला है, तो इससे पहले हमारे भैया सब जूता खोलेंगे, क्योंकि चप्पल पे जाना है। भाई बोल रहे पानी इतना कमर का इतना तक पानी आ जाएगा। हाँ किसका? अच्छा तुम्हारा इतना तक है, कितना तक आएगा तुम्हारा? इतना तक आएगा तो हम लोग का भी थोड़ा नीचे तक तो आएगा। तो इसके लिए प्रिपेयर होना है। तो अभी वाटर कैनियन के ऊपर के साइड पे चल रहे हैं। तो यहाँ हम लोग को यहाँ से लेफ्ट ऊपर नहीं जाना है, हम लोग को यहाँ से राइट ऊपर ही ऊपर जाना है। तो ये नीचे में कुछ इस तरह का दिखता है, रिवर बेड बोल सकते हैं कि उसका अंदर ही अंदर। तो देख सकते, बहुत ही सुंदर दिख रहा है ये, बहुत ही प्यारा सा वाटर केव बोल सकते हो आप इसको। तो अंदर भी वाटर फ्लो हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा स्लीपरी है, आपको ध्यान से चलना पड़ेगा। आप स्लीपर भी लगा सकते हो या फिर खाली पाँव भी चल सकते हो। तो ये कुछ इस तरह से। भाई कहाँ इधर जाना है?
अच्छा ठीक है, चलो देख रहे हो वहाँ पे हमारे अभिषेक भैया जा रहे हैं और ये मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे हमारे रुपेश भैया जा रहे हैं और तेंजिन भैया जा रहा है, थोड़ा उनको पेट थोड़ा सा गड़गड़ गड़गड़ कर रहा है तो थोड़ा सा हल्का होने के लिए जा रहा है तो अभी हम लोग उधर जा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत नाइसली यहाँ का गांव के आदमी लोग, टूरिस्ट गाइड लोग ये बना के रखे हुए कि जो हमारे यहाँ का जो टूरिस्ट है वो चल पाए। तो यहाँ से अब इसके ऊपर से चलना है, बस टूट ना जाए। तो देख सकते हो अभी थोड़ा मंकी स्टाइल से क्लाइंब करना पड़ रहा है क्योंकि थोड़ा स्लिपरी है। तो अभी हेड माउंट लगा चुका है, गोप्रो रेडी है, अभी अंदर जाएंगे केव पे। यहाँ से थोड़ा सा अच्छा आपको एक रियल व्यू टाइप का एक आपको व्यू मिल जाएगा फ्रंट से। तो चलिए अंदर पे जाते हैं। दोस्तों ये मैं हूँ, ये हमारे ग्रुप है और यहाँ पे हम लोग पहाड़ चढ़ रहे हैं। तो कुछ इस तरह से तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गहरा है, आपको बता दूँ, देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गहरा है। देखो पूरा आधा उधा पूरा डूब गया है, देखो भैया का चड्डी भी अंदर पे डूब गया है। तो इसका अंदर पे जाएंगे, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हो अभिषेक भैया का पूरा अंदर तक डूब गया है। बैग संभाल के अच्छा हमारे तेजी भाई को ठंडा लग रहा है, आचू बोल रहा है। तो चलिए ट्रिक ले जाने ये रहा कुछ इंजीनियरिंग का दिमाग। तो कुछ ये तरीका से जाना पड़ता है ये जगह पे, अगर इस तरह से जाओगे तो आप बच जाओगे, पानी आपको टच नहीं होगा। तो ये रहा, ओ सवाल के भाई तो देख सकते हो कितना मुश्किल से आगे जाना पड़ रहा है सभी को। तो लगभग पानी लगभग कमर का इतना आ जाएगा, तो संभाल के जाना पड़ेगा, संभाल के एकदम। अच्छा भैया लोग रुको, मेरा भी फोन कैमरा लेके जाओ। कुछ इस तरह से जाना पड़ रहा है। तो
तो इसको सेक्सी होके चलना पड़ेगा अब, ये पूरा भीग गया गाइस। अंदर पे देख सकते हो बहुत ही ज्यादा ये सब, ये क्रॉस करके हम लोग ने आया, बहुत ही ज्यादा इतना इतना पानी था। आप देख सकते हो मेरा टी शर्ट पूरा यहाँ तक भीग गया है, तो यहाँ तक पानी था, अभी यहाँ तक पानी पे अभी चढ़ गया है। तो आगे पे देख सकते हैं, आगे पे देखिए, आगे पे हमारे दो भाई लोग, तीन भाई लोग स्टक हुआ हुआ है, यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा, आगे जाके मालूम चलेगा। तो चलते हैं आगे पे, तो गाइस चलते हैं आगे पे, पकड़ने का जगह भी नहीं है, चलो देखते हैं मुझे तो यहाँ पे स्विमिंग करने का मन कर रहा है, पर क्या किया जाए, मेरे टी शर्ट लाया नहीं है एक इस पर, तो इसी पे एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी शाम को वहाँ पे जो लकड़ी का चूल्हा होता है वहाँ पे सुखाएंगे, लगभग सूख जाएगा क्योंकि ड्राई क्लोथ है। तो गाइस देख सकते हो आप यहाँ पे चढ़ना कितना मुश्किल है, तो एक बार पे चप्पल फंस गया, चप्पल गिर गया मेरा, चलो तो बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस फील हो रहा है बहुत दिन का बाद में, तो एक तरफा मजा भी आ रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे साथ में हमारे जो भैया लोग हैं साथ में, तो मजा इनटू 100 हो गया। तो मुझे एक चीज का मुझे ख्याल नहीं है, मैं हम लोग यहाँ से आ रहे थे तो हमारे गाइड भैया भी बोल रहे हैं ऊपर देखो, तो देख सकते हो दो केव के बीच में एक पत्थर स्टक हुआ हुआ है, अगर इसको सैंडविच बन के बैठा हुआ है ये कभी भी नीचे पे जाके बर्गर बन सकता है, तो बर्गर बनने से पहले ही यहाँ से रफा होना है हम लोग को, दफा होना है। कुछ बोलना है भाई? यही बोलना है कि गाइस ये जगह आप जरूर आए, बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस आपको फील होगा, करना है तो यहाँ पे आपको केव जो कि शायद ही ये हम लोग का लोकल एरिया पे है, ये एक यूनिक है, आप यहाँ पे आ सकते हो, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, लगभग आपको 2 घंटा पे यहाँ पे पहुंच जाएंगे आप सिलीगुड़ी से। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ऑब्वियसली, आपको पैसा देना नहीं पड़ेगा, तो इसको एक्सप्लोर करना आप सभी जरूर करें। तो हम लोग अभी लास्ट केव में जाना बाकी है ना, ये लास्ट है ना एंड, यहाँ से फिर हम लोग रिटर्न आएंगे, यहाँ से आगे जा सकते नहीं, जा सकते भाई, भाई इससे आगे पर पुलिस चेकिंग है, तो हम लोग का बस पेपर नहीं है, तो इसलिए हम लोग को क्या करना है वहाँ से रिटर्न होना है। मजाक कर रहा हूँ गाइस, ये लास्ट है, यहाँ से ऊपर आप लोग नहीं चढ़ पाओगे, तो यहाँ से आपको रिटर्न बैक ही होना पड़ेगा। यहाँ पे जो देख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा डीप है, बहुत ही ज़्यादा ही डीप है, ये देखने में बहुत ज़्यादा खतरा डरावना दिख रहा है, 100 हाउसेस है ये, 30 फीट गहरा। तो दिस इज द लास्ट पॉइंट गाइस, और हमारे तीन जी पैसे कर रहे हैं टिकट टिकट, तो यहाँ चालान काटने के लिए बैठा हुआ है भाई, और यहाँ से अंदर जाएगा तो चालान चाहिए, एक पोज देख सकते हैं आप, स्लीपिंग बुद्धा टाइप का, स्लीपिंग बुद्धा वाला पोज दे रहे हैं भैया के अंदर में। ओहो हमारे भैया का पोज तो देखो। सो गाइस ये देख सकते हैं दिस इज द लास्ट एंड, सो ये एंड है, यहाँ से आगे फर्दर जगह नहीं है जाने को, तो बस गाइस यलबुंग का जो कैनियन ट्रैक था, जो यलबुंग का जो कैनियन ट्रैक था, बस यहीं तक का ही सफ़र था। तो आपको किसे लगा कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं गाइस। तो अभी जो शाम की हम लोग के लिए खाना रेडी करके रखा हुआ है लंच के लिए, एक्चुअली लंच हम लोग ने नहीं किया था, तो लंच करेंगे। ये सुमित भाई ने चप्पल को उधर दूर कटा दिया। और ये सुमित भाई चप्पल उठा रहे हैं।
few moments later. तो गाइस हम लोग हाइक करके आ चुके हैं. अभी यहाँ पे लगभग शाम के 4:51 हो रहा है. तो हमको हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए थे 12:50 पे. तो अभी 4:50 हो रहा है. तो लगभग 4 घंटे पे हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं. हमारे बाइक वहाँ पे है साइड पे. और हम लोग यहाँ पे हम लोग का लंच हो रहा है. बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा है, पर क्या करें, करना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगा हुआ है हम सभी को. तो खाएंगे उसके बाद पे टेंट स्टार्ट करेंगे टेंट लगाने को. तो मिलते हैं अब सभी से.